नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। कल यानी कि 16 मार्च की अगर हम बात करें तो हमें मुख्य रूप से जो हमें बारिश की एक्टिविटीज है, थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटीज है, वो हमें पूर्वी भारत और उससे लगे हुए जो मध्य भारत और जो हमारा तेलंगाना के एरियाज हैं वहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। और अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो मुख्य रूप से हमें झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ एक जिलों में हमें कल ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। वहीं पर मध्य प्रदेश में अधिकतम हवाओं की गति जो है वो हमें 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिली है, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ एक स्थानों पे हवाओं की जो गति है वो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्से में जो अधिकतम तापमान है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहे हैं। वहीं पर पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान के मध्य भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पूर्वी भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ एक तटीय इलाकों में, मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में जो ये तापमान है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं पे जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है या उससे लगा हुआ जो मध्य भारत के इलाके हैं वहां पे अधिकतम तापमान जो है वो हमें 36 से लेकर के 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम डिपार्चर के हिसाब से देखें तो ये तापमान लगभग पूरे ही भारत में हमारे नॉर्मल ही चल रहे हैं। सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़ के, उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ के, बिहार और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों को छोड़ के, जिसको कि हमने येलो कलर, पीले कलर और लाल कलर से दर्शाया है, इन सभी क्षेत्रों में ये तापमान नॉर्मल से हमारे जो है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और उसी के साथ जो हमारा गुजरात प्रदेश है वहाँ पे अधिकतम तापमानों में अगले 4 से 5 दिनों में हमें 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों में टेम्परेचर्स में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि 3 दिनों के बाद वहाँ पर टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, जबकि जो हमारा पूर्वी भारत है उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है वहाँ पर अधिकतम तापमानों में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें गिरावट अगले 3 से 4 दिनों में देखने को मिलेगी और उसके बाद उसमें टेम्परेचर्स में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि जो हमारा दक्षिणीय प्रायद्वीप है वहां पे अधिकतम तापमानों में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा, यानी कि वहां पे तापमान जो है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकांश स्थानों पर चलते ही रहेंगे अगले 5 दिनों तक। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा एक ट्रफ रेखा है जो कि विदर्भ से लेकर के केरल तक जा रही है और ये ट्रफ रेखा जो है मराठवाड़ा साथ कर्नाटक के से होकर के गुजर रही है। वहीं पे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी एक ट्रफ रेखा है जो कि मेघालय से लेकर के त्रिपुरा तक देखी जा सकती है और वहीं पे बंगाल की खाड़ी में एक हमारा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से जो हमारी मॉइस्ट विंड है, जो हमारी नमी वाली जो हवाएं हैं वो पूर्वी भारत और उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है वहाँ पे लगातार जा रही हैं। इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते जो हमारा पूर्व भारत है उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है और उसी के साथ दक्षिणी प्रायद्वीप के भी कुछ एक स्थानों में अगले 4 दिनों तक जो है हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और ओलावृष्टि भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी और उसी के साथ कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने के भी हमें घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर हम अगले 5 दिनों की बारिश की बात करें, जैसा कि हम इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी भारत है और उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है और दक्षिणी प्रायद्वीप के जो उससे लगे हुए इलाके हैं वहाँ पे अगले 5ों ही दिन हमें जो है लगातार हल्के से मध्यम स्तर की बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी। हालांकि 19 तारीख को और उसी के साथ अगर हम 20 तारीख की बात करें तो जो हमारा पूर्वी भारत है मुख्य रूप से उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो तेलंगाना के इलाके हैं इसमें जो हल्के से मध्यम स्तर की बारिश है वो हमें अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। और जबकि जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहां पे एक बार जो बारिश का दौर है, हल्के से मध्यम स्तर की जो बारिश है 20 तारीख से हमें फिर से देखने को मिलेगी, जो कि 21 तारीख को भी लगातार वहां पर चलती रहेगी। और उसी के साथ जो है अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 तारीख को यानी कि कल एक आध स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, 19 तारीख को और को भी एक आध स्थानों पर देखने को बारिश मिलेगी, जबकि 20 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जिसकी वजह से ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और निचले स्थानों पर बारिश जो है वो हमें 21 तारीख से एक बार बढ़ती हुई फिर से दिखाई देगी।
अगर हम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान या साथ साथ गुजरात जो है, और उसी के साथ महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं या कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं, वो अगले 5 दिनों तक मुख्य रूप से ड्राई रहने वाले हैं, यानी वहाँ पर कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। अगर हम ओलावृष्टि की चेतावनी की बात करें तो हमें आज यानी कि 17 मार्च को एक बार फिर से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि, उसी के साथ वहाँ पे हवाओं की जो गति है वो लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। और जबकि 18 मार्च को अगर हम देखें तो हमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में एक बार फिर से ओलावृष्टि कल भी देखने को मिलेगी। हवाओं की गति यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख की जो ओलावृष्टि है वो हमें उड़ीसा के एक आधे स्थानों में, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ एक जिलों में हमें ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। हवाओं की गति इन सभी इलाकों में लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहां पे 19 तारीख को जो हवाओं की गति है वो हमें 50 से 60 किलोमीटर तक भी हवाओं की गति कुछ एक जिलों में देखने को मिलेगी। अगर हम भारी बारिश की भी बात करें तो भारी बारिश में आज और कल तो कहीं भी होने की संभावना नहीं है, लेकिन 19 तारीख को एक बार भारी बारिश जो है वो हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ एक जिलों में देखने को मिलेगी। जबकि 20 तारीख को यही भारी बारिश जो है कोस्टल आंध्र प्रदेश के मुख्य रूप से जो उत्तरी हिस्से हैं, उत्तरी जिले हैं, तेलंगाना के कुछ एक जिलों के साथ साथ उड़ीसा में भी हमें भारी बारिश 20 तारीख को देखने को मिलेगी। 21 तारीख को कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, हालांकि हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप, पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ एक स्थानों पर हमें देखने को मिलती रहेगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज और Twitter पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।